राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगे हैं। अंडर 19 ट्रायल के बाद जोधपुर में चयनित क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में युवा क्रिकेटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो वहीं वरिष्ठ कोच क्रिकेट की बारीकियों से रूबरू कराने के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड खिलाड़ी बनाने की कोशिशों में लगातार जुटे हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में क्रिकेट कोच लोकेंद्र सिंह शक्तावत और देव कुमार क्रिकेट की प्रतिभाएं सिखाई जा रही हैं। इन खिलाड़ियों का चयन पिछले दिनों अंडर 19 के लिए हुआ। अब ये खिलाड़ी डूंगरपुर शील्ड प्रतियोगिता में अपने हुनर का कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। पहले तो मैं वैभव गहलोत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी ये ट्रायल ऑर्गेनाइज करवाए और सेलेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और इन्होंने ट्रायल कंडक्ट कराई। हमारा दो दिन का कैंप लगा है, एक बहुत अच्छी और मैनेज टीम इन्होंने दी है हमारे को कि हम ये टूर्नामेंट वगैरह जीत के आए और जोधपुर का नाम रोशन करें। और अभी दो दिन का कैंप चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा हमारा माहौल है और सब एकजुट होकर खेल रहे हैं कि हमें मतलब सब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। था अच्छा अंडर 19 का ट्रायल ऑर्गेनाइज़ कराया जोधपुर में और इतनी अच्छी टीम बनाई हमारी और दो दिन का कैंप लगाया जिसमें अच्छे सेलेक्टर्स थे, उन्होंने अच्छे से देखा हम सबको। क्रिकेट का बेस यही होता है और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए लोगों की शुरुआत होती है और यहाँ अच्छा क्रिकेटर होगा यानी कि बैट्समैन बॉलर फील्डर और उसकी जो फुर्तीला है जो बैटिंग का या बॉलिंग का या फील्डिंग का जो तरीका है वो यहाँ जज किया जा सकता है, उनको तैयार किया जाता है, ग्रूम किया जा सकता है और यहाँ पर उनकी कंसिस्टेंसी को देखा जा सकता है और वो देख करके आप उनके अनुसार उनको ढाल सकते हैं। आप जोधपुर में ऐसा फेयर सिलेक्शन वगैरह हुए हैं इस बार और अभी दो दिन का नेट भी है यहाँ पर और काफ़ी डिसिप्लिन दो दिन से चल रहा है। सुबह का भी सेशन हुआ था 3 घंटे का, अभी भी हो रहा है, बच्चे सब शांत अच्छी तरह से आ रहे हैं और बहुत अच्छा हो। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत की दूरदर्शिता इस बात से जाहिर होती है कि उन्होंने पद संभालने के बाद में बरकतुल्ला खान स्टेडियम के सुधार का बेड़ा उठाया और इस बजट में 20 करोड़ की राशि मिली, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के क्रिकेटर्स को वो डेवलप करना चाहते हैं। ट्रायल के अंदर जिस तरीके से ये चमकते हुए चेहरे चयनित हुए हैं उसके बाद में जिस तरीके से लोकेंद्र सिंह शक्तावत जैसे और देव कुमार जैसे जो चयन जिस तरीके से कोचेज हैं उन्होंने जो एक एक गुर सिखाया है कि किस तरीके से तेज गेंदबाजी होती है, किस तरीके से एक बैट्समैन का अपना एक जुनून होता है, जज्बा होता है, अनुशासन के साथ में किस तरीके से उस टाइम के साथ में उस क्रिकेट को खेलना होता है, लक्ष्य क्या होता है, उन सब की जानकारी जो लिए साथ में यहाँ के खिलाड़ी वैभव गहलोत को धन्यवाद देना नहीं भूल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है, डूंगर शील्ड प्रतियोगिता हो रही है तो क्रिकेट अब आगे बढ़ने वाला है। आईपीएल मैच भी आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी, लेकिन जो खिलाड़ियों का जज्बा है वो देखने लायक है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।